सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप या आपके घर में कोई भी सफेद दाग या विटिलिगो से पीड़ित है तो बहुत समस्या हो जाती है कि क्या पकाएं और क्या खाएं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी विषय पे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली और हम अपने सेंटर एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में सफेद दाग का इलाज आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी सब्जियों के बारे में जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक सफेद दाग के रोगी को खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले वो सब्जियां बताते हैं जो एक सफेद दाग का रोगी खा सकता है। वो है घिया, तोरी, टिंडा, पालक, मेथी और सभी हरी पत्तेदार सब्जियां। और इनमें भी स्पेशली मेथी और मशरूम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये एक बहुत ही रिच कॉपर का सोर्स है जो कि सफ़ेद दाग के इलाज में फ़ायदा करता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसी सब्जियों के बारे में जो सफ़ेद दाग के इलाज में रुकावट पैदा कर सकती हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है टमाटर का। टमाटर का इस्तेमाल कच्चा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, पका हुआ थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, बट ध्यान रखने की बात यह है कि वो देसी ना हो, क्योंकि देसी टमाटर खट्टा होता है। टमाटर को आयुर्वेद में राजसिक या तामसिक भोजन माना गया है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग का इलाज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और साथ ही कच्चा प्याज और हरी मिर्ची का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। ऐसी कोई भी सब्जी जिसमें दही डलता हो उसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है, इसीलिए कड़ी भी आपको नहीं खानी है। वैसे तो अब लिस्ट आपके पास है, बट अगर किसी पेशेंट को खुजली की तकलीफ़ हो तो उनको अरबी, बैंगन, भिंडी, कटहल और मूली, इन सब का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और जो सब्जियां अलाउड हैं उनको बनाते हुए ध्यान रखें कि ना तो आप खट्टे मसाले और ना ही दही का इस्तेमाल करें। Like, share, subscribe for more such informative videos.